नमस्कार मित्रों, मैं रोहित दीक्षित सिलेक्शन मेंटर पे आपका पहली बार स्वागत करता हूँ। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, इंट्रोडक्शन तो हमारे जीएस के मेंटर धीरज सर ने दे ही दिया था, और उसके बाद आज हमारी और आपकी पहली मुलाकात है 5 जुलाई को। तो अब आगे मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी, तो इसीलिए आप सबका वेलकम। और अब हम बिना बात किए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता था कि आज से यानी 5 जुलाई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच यानी आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक। आप अगर बैंक की तैयारी करते हैं तो आपको तो पता ही है कि बैंक में क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हम जॉब पाते हैं, किस तरह से हमारा सिलेक्शन होता है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी इसी साल ग्रेजुएट हुए हैं, कुछ तो प्रमोट भी हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए तो ये इंट्रोडक्शन क्लास रखी गई है, जिसमें आपको नहीं भी पता हो तो विधिवत यानी डिटेल में कैसे क्या होता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, सबसे बड़ी चीज़ एग्ज़ाम में हमको क्या छोड़ना है और क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, ना, हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ हम आपकी सुनेंगे नहीं, आपको जो प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको प्रॉपर उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो बिना किसी इंतज़ार के हम आगे बढ़ते हैं और अपना इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चल देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहले हम बात करें आपको, तो ये जो बैच हमारा है ये है आरआरबी का। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक। बच्चों, इसमें दो तरह की वैकेंसीज आती हैं, यानी दो तरह की पोस्ट होती हैं, ठीक। क्या होती है? पहली पोस्ट जो होती है वो होती है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट को हम बोलते हैं क्लर्क, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट को हम बोलते हैं क्लर्क। और दूसरी होती है ऑफिसर। ऑफिसर की होती है, ठीक, ऑफिसर। अच्छा बेटा, ये जो ऑफिसर की वैकेंसी होती है ना, ये कई टाइप की होती है। ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3, ऐसे होती है। बच्चा, होता क्या है कि जो स्टूडेंट नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट, वो सिर्फ दो टाइप की वैकेंसी भर पाते हैं। कौन कौन से? पहली ऑफिस असिस्टेंट, और दूसरी क्या भर पाते हैं वो, ऑफिसर स्केल 1। क्योंकि बच्चों, होता क्या है, सिर्फ इसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, लेकिन हाँ एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम क्या कि ऑफिस असिस्टेंट में यानी क्लर्क में 18 साल से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, जबकि ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो एज होनी चाहिए 18 साल से 30 साल के बीच, ये एज हमारी होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब क्या है, अब आप सबको पता है कि आरआरबीज में एग्जाम जो होते हैं वो दो चरणों में होते हैं। दो चरणों में क्या कि प्री होता है, प्री के बाद मेंस होता है। क्या होता है? मेंस। लेकिन 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 अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए हैं तो प्री और मेन देने के बाद आपका सिलेक्शन। लेकिन लेकिन अगर आप ऑफिसर स्केल में हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे सिलेबस क्या है, कैसे होता क्या है। आप ऑफिसर स्केल दीजिए या फिर आप देंगे ऑफिस असिस्टेंट। प्री जब हम एग्जाम देते हैं तो प्री एग्जाम में क्या होता है कि हमारे दो सब्जेक्ट आते हैं। दो सब्जेक्ट क्या? पहला आता है मैथ्स। पहला क्या आता है? मैथ्स आता है। और दूसरा क्या होता है? रीजनिंग होता है। रीजनिंग बच्चों, ये आईबीपीएस की तरह नहीं है, नेशनलाइज बैंकों की तरह कि हाँ जब हम उसमें रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश भी आती है, कतई ऐसा नहीं। लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, मैथ्स के 40 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 40-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक बच्चों। और इनके लिए आपके पास 45 मिनट यानी 45 मिनट का टाइम होना ही चाहिए, ठीक। यानी 45 मिनट्स में आपको ये 80 क्वेश्चन टोटल करने हैं, 80 टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आप तो देख रहे हैं इस कट थ्रोट कंपटीशन में क्या चल रहा है, यानी आपको
70 प्लस तो लानी, ठीक। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ, ठीक। आपको बस रेगुलर फॉलो करते रहना है जैसा बताएं। देखिए फिर एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पर कोई पढ़ा नहीं रहा है, सिर्फ एक्सपीरियंस बस। यानी जो गलतियाँ हमने की हैं, हम नहीं चाहते हैं वो गलतियाँ आप करें। और ध्यान रखना, इंसान हमेशा गलतियों से ही सीखता है। बस यही कारण है कि अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें, ठीक। तो सबसे पहले आपको जैसा पता है कि ये मैथ्स का इंट्रोडक्शन है, तो हम मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों देखो होता क्या, देखो 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, 40 क्वेश्चन। अच्छा डिवाइड कैसे होते हैं 40 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा सारे लोग। बेटा 5 क्वेश्चन जो होते हैं, 5 क्वेश्चन वो होते हैं सिंप्लीफिकेशन के। किसके होते हैं? सिंप्लीफिकेशन। 5 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन। अच्छा 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। 5 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं अप्रोक्सीमेशन। 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेशन के। 5 क्वेश्चन हमारे जो होते हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेशन के, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर हम और आगे बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको पता है 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते हैं तो 5 नंबर के होंगे, यानी 5 मार्क्स, ठीक, 5 मार्क्स। 5 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे अप्रोक्सीमेशन के, यानी 5 मार्क्स, ये भी होंगे 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 2 क्वेश्चन, कितने? 2। और आपको पता है ईच क्वेश्चन, यानी ईच क्वेश्चन एक प्रश्न में 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया कितने? 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके 10 क्वेश्चन, ठीक। यानी लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना बच्चों, क्या ध्यान रखना है आपको? आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले देखो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको बच्चा, अभी हमने क्या बताया आपको कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन यानी क्या? 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है? इंपॉर्टेंट चीज कि अगर अप्रोक्सीमेशन आपके पास नहीं आया, यानी आपके सेट में अप्रोक्सीमेशन नहीं आया बच्चा, तो ये 15 मार्क्स का निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? 15 मार्क्स का। यानी अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं आया तो ये 15 मार्क्स का निकल जाएगा, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन आया तो ये 10 मार्क्स का ही रहेगा। यानी अब देखो आप 40 में 15 और 5, यानी 20 नंबर तो ये, ठीक, कंफर्म पक्के। उसके बाद बच्चों होता क्या है देखो जरा, नंबर सीरीज आती है। क्या आती है? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स। बच्चों अब आप देखो, हमने क्या कहा था आपसे, आपसे सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम बात करेंगे वेटेज की। वेटेज देखिए आप, इन 4 चैप्टर्स का वेटेज देखिए आप कितना अधिक है, क्या है? 5 और उसके बाद 10 और 5। यानी आप खुद देखिए आप कि 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन, 15 नंबर की डीआई, 20, 5 और 25, यानी 25 नंबर का, यानी 525 मार्क्स का जो वेटेज है आपको सिर्फ इनसे मिलेगा, सिर्फ इनसे। बाकी हमारे पास बचा क्या? अब बचा हमारे पास 15 क्वेश्चन बच्चों, 15 क्वेश्चन, यानी 40 होने हैं, 15 क्वेश्चन, ये बढ़ जाता है मिसलिनियस। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर इनइक्वालिटी आपने नहीं बताई, हाँ बेटा इनइक्वालिटी नहीं बताई, कभी कभी ऐसा होता है कई सेट में हमें इनइक्वालिटी मिलती है, कई सेट में नहीं मिलती है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ ऐसे प्रश्नों की या ऐसे चैप्टर्स की जो हमें मिलते ही हैं और मिलने ही हैं सिर्फ, ठीक। तो अब आप सोचो जो 15 मार्क्स बचा, तो अब इसमें इनइक्वालिटी भी आ गई, अब इसमें आपका एरिया भी आ गया, इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, SI भी आ गया, CI भी आ गया, डेटा सफिशियंसी भी आ गई, ठीक। तो आप ये ध्यान रखो ये मिसलिनियस है, ये कहीं से भी आ सकते हैं, यानी आपको पढ़ना पूरा है, मिसलिनियस में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी कुछ भी। अब आपके दिमाग में आएगा सर चैप्टर्स क्या क्या और करने, ठीक है, तो अभी मेरी बात समझिए। देखिए
सबसे पहले हम इन चार चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। किसकी किसकी? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, हो गया हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, देन नंबर सीरीज क्या करनी है, फिर आगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम इस 25 मार्क्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने 15 क्वेश्चन यानी मिसलिनियस जो हमारा आता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं जरा सा, पहले आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। देखिए जरा, एक नया पेज हम ले रहे हैं और उसमें ही सब सारी डिटेल आपको दे रहे हैं। देखो बच्चों, होता क्या है सबसे पहले कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डीआई की, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। क्या है डीआई? डीआई का फुल फॉर्म होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आंकड़े विश्लेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को अगर नहीं पता है, बिगिनर हैं आप लोग, तो हम बता दें ये ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें बहुत डिटेल में जाना होता है, डिटेल में यानी बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स तो हमें देने नहीं है। हमें अब क्लर्क में, पीओ नेशनलाइज्ड बैंक्स में पीओ बनना है, अधिकारी बनना है, ऑफिसर ग्रेड सेकंड का एग्जाम देना है, अगर आरआरबी आरबीआई की बात करें, एसबीआई की बात करें, स्पेशल ऑफिसर की, ठीक है। तो फ्रेंड्स उस तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक। डीआई देखिए, आपसे किसी ने बताया हो या नहीं बताया, ठीक, हो सकता कहीं आपने देखा हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डीआई। फ्रेंड्स डीआई जो होती है बहुत मतलब कई प्रकार की होती है, कई प्रकार। देखना सबसे पहले डीआई, देखो बच्चों, नंबर एक पाई चार्ट होता है। क्या होता है? पाई चार्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्कल में जो बना होता है वो पाई चार्ट कहलाता है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना कि पाई चार्ट में दो टाइप के पाई चार्ट होते हैं। एक होता है जो परसेंट पे बेस्ड होता है, परसेंट, और बच्चों जो दूसरा होता है वो डिग्री पे बेस्ड होता है। परसेंट यानी टोटल परसेंट अपने आप में 100 कहलाता है, और जो डिग्री होगी वो 360 यानी कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 होता है, ठीक, ओके। दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है बार ग्राफ। बार बच्चों आपको पता होगा, जैसे आपने देखा होगा कोई क्वेश्चन जिसमें बिल्डिंग्स बनी होती, बिल्डिंग्स ऐसे 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 ऐसे, ये कहलाता है बार ग्राफ, ठीक। थर्ड वाला अगर हम देखें बेटा, ये होता है टेबुलेशन। क्या होता है? टेबुलेशन, टेबुलेशन यानी टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ की अगर हम बात करें तो आप बस इतना समझिए कि अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट या किसी भी क्लास की आपकी मार्कशीट है, उसको हम टेबल ग्राफ में बदल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? देखिए ऐसे, जैसे ये लाइनिंग, ठीक, ये लाइनिंग, इधर दे दिया सब्जेक्ट, ये जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और ये बेटा आपके एग्जाम, क्या एग्जाम यानी टेस्ट, टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री, ये मार्क्स, ये मार्क्स, ये मार्क्स, ये मार्क्स, ये मार्क्स, ये मार्क्स, ये मार्क्स। अब आपको करना क्या, इसी पे बेस्ड 5 क्वेश्चन होंगे आपको करने, ठीक। फोर्थ टाइप का जो होता है बेटा वो होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ का मतलब समझ रहे बच्चा? आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में क्या होता है, इस तरह से ग्राफ चलता रहता है, ऐसे ये ग्राफ, ये दूसरी टीम का भी चल रहा है दूसरे कलर से, ऐसे बेटा यही लाइन ग्राफ है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन 5, ठीक बेटा। पांचवा जो होता है, पांचवा बहुत ध्यान समझिएगा, जो पांचवा होता है ये होता है केसलेट। केसलेट, ठीक, केसलेट। केसलेट क्या होता है? एक तरह से ये पजल होती है। पजल क्या? ये लैंग्वेज बेस्ड होती है, जैसे लैंग्वेज बेस्ड, जैसे आप रीजनिंग की पजल पढ़ते हो, ये ऐसे, और इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन। अच्छा ये होती कैसे? जैसे इसने दे दिया एक स्कूल है, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, और इन 500 स्टूडेंट में लड़के और लड़कियों का रेशियो 2:3 यानी 2:3, ये रेशियो। अब आपसे कह रहा है इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है, ठीक। कैसे बताएगा? कुछ बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, उसको आपको नंबर पे निकालना है और फिर बता, ठीक, उसके क्वेश्चन। बेटा जो सिक्स्थ होता है हमारा वो होता है वेन डायग्राम। वेन बेटा, वेन डायग्राम ये जिसमें ओनली का केस आता है, ठीक, बोथ का केस आता है और ऑल का भी केस आता है,
परेशान मत हो ना, ये सारी चीजें डिटेल में आप पढ़ोगे बहुत आराम से, ठीक है ना बेटा। सातवां जो होता है ये होता है रडार। क्या होता है? रडार। रडार रडार का मतलब आप बस इतना समझिए, मकड़ी का जाला। ये और ये, ऐसे मकड़ी का जाला। ये। अब उस पे बेस्ड ऐसे ऐसे ये डायग्राम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको ये मकड़ी का जाला, ये बना बनाया मिलेगा, नो डाउट, आपको बनाना नहीं, ठीक है? हाँ, मैं कोई शक नहीं कि आपको बनाना पड़ेगा बेटा। उसके बाद आता है मिक्स। क्या आता है? मिक्स। अच्छा, मिक्स डायग्राम में क्या क्या होता है जरा देखिए। मिक्स डायग्राम बेटा, मिक्स डायग्राम में पाई प्लस पाई, ठीक, पाई प्लस रेशियो, ठीक बेटा, पाई प्लस परसेंटेज, ठीक, पाई प्लस रेशियो प्लस लाइन ग्राफ, पाई प्लस पाई प्लस टेबुलेशन, अच्छा ये हो गया, ठीक। तो ये मिक्स वाले हो गया। अच्छा, सिर्फ इतना ही मिक्स नहीं, मिक्स में और भी, यानी सारी डीआई को मिला दिया जाता है, ठीक है? हाँ। अच्छा, 9 नंबर जो बेटा होता है वो होता है हमारा ट्राइंगुलर बार, ट्राइंगुलर बार। ट्राइंगुलर बार में बेटा क्या? ये ट्राइंगुलर बार, ये, ठीक, कैसे? इतनी सारी डीआई हैं, इतनी सारी, और इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने होते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से, कि ये सारी डीआई, जितनी भी डीआई हैं, ये ध्यान रखना, ये सारी डीआई, ये सब पीओ में आती है। किस में आती है? पीओ, ऑल टाइप्स, यानी सब किस में आती है? पीओ, कोई भी पीओ आती है, ठीक, सिवाय सिवाय इसको छोड़ के। ट्रायंगुलर बार अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन उम्मीद है कि पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ इस साल तो नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक, और अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले एसबीआई में आएगा, उसके बाद आपके पास, ठीक है? तो इतनी टाइप की डीआई होती है। अच्छा, अब फ्रेंड्स एक चीज और, आपने देखा होगा कि डीआई किसी भी बुक में सबसे लास्ट में होती है। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों डीआई पढ़ने के लिए 2-3 चैप्टर्स आने चाहिए। कैसे बेटा? हमें रेशियो आना चाहिए, बहुत जरूरी है, पहला चैप्टर। दूसरा हमें परसेंटेज आना चाहिए, ठीक, और एवरेज। बस अगर आपको ये 3 चैप्टर आ गए ना, तो समझ लीजिए आपको आधी गणित आ गई, आधी गणित, यानी आधी, हाँ आधी मैथ्स आ गया, ठीक है? तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है, कल आपको, कल से डेली आपको सब मिलेगा और प्रॉपर तरीके से, ठीक है? चलो ये डीआई। अब बात करते हैं नंबर सीरीज, ठीक है? किसकी बात करते हैं? नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नंबर सीरीज 5 आती है। क्या आती है? 5 आती है, ठीक है बच्चा? 5 नंबर सीरीज होती है, और 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है रॉन्ग, ठीक, और दूसरी होती है मिसिंग, ठीक है? मिसिंग, रॉन्ग नंबर में यानी कोई नंबर गलत होता है उसको हमें देखना होता है, और मिसिंग में कोई मिस नंबर होता है उसको हमें ढूंढ, कौन सा मिस है, ठीक है? अच्छा बेटा, नंबर सीरीज में क्या है, ये 2 टाइप की होती है, ठीक, 2 टाइप की। कैसे? एक होती है मैथ्स वाली और एक होती है रीजनिंग। बच्चों दोनों का करने का तरीका ही अलग है, बिल्कुल अलग तरीका, बिल्कुल अलग। कभी कभी स्टूडेंट से गलती हो जाती है, वो करता क्या है कि रीजनिंग में मैथ्स और मैथ्स में रीजनिंग लगा लेता है, लेकिन ये कतई नहीं है। मैथ्स की नंबर सीरीज बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल अलग का मतलब अगर कहें तो रूल होते हैं बच्चा, तकरीबन 8 से 12 रूल होते हैं, 8 से 12, और पूरी नंबर सीरीज इन्हीं पे डिपेंड है।
लेकिन आप ये समझिए, अगर आप इसमें रीजनिंग लगाएंगे लगेगा, नो डाउट लगेगा, आंसर आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, कैसे करेंगे, ताकि आपको पता चले, आप खुद देखोगे कि वाह आज तक हम कैसे कर रहे थे और कैसे कर रहे। ठीक है, नंबर सीरीज हो गई हमारी, डीआई हो गई। ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। बच्चों अब एक चीज और, अब सिंप्लीफिकेशन की बात आती है, वो तो आप जानते हैं, उसमें कोई नोट कोई दो राय नहीं है कि इतने प्रकार का होता है उतने प्रकार का, वो तो पढ़ाना है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब ये है कि मिसलिनियस टॉपिक की बात करें, मिसलिनियस यानी 15 मार्क्स, मिसलिनियस 15 मार्क्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको जैसे अगर जानकारी ना हो कि सिर्फ अर्थमेटिक ही आती है, यानी अर्थमेटिक ही बैंक में आती है, नहीं बच्चों एडवांस आना भी शुरू हो गई है। एडवांस का मतलब बच्चा अब HCF और LCM के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, अब नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। बैंक में बेटा अब एरिया के और वॉल्यूम के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। बेटा थोड़े थोड़े एलजेब्रा के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये नहीं आता है, बिल्कुल कतई मत सोचना बच्चों, एक क्वेश्चन आपको इसका मिलेगा, एक से दो क्वेश्चन मिसलिनियस में इसके मिलेंगे, एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा और फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये भी सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं और आती हैं। बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, ठीक, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन प्रॉब्लम, ठीक, और अगर हम बात करें इसके अलावा हमारा पाइप एंड सिस्टम, ठीक, यानी नल और टंकी, और अगर बात करें हम तो बोर्ड एंड स्ट्रीम, और अगर हम बात करें तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बेटा एवरेज, बेटा रेशियो, बेटा एज, बेटा पार्टनरशिप, ठीक, आप सब देख लीजिए पार्टनरशिप। अब आप सोचेंगे सर एक चैप्टर आपने छोड़ दिया, हम कहेंगे क्या सर, आप कहोगे एलिगेशन एंड मिक्सर, बिल्कुल इसको हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है, ये राज है, ये आपको हम बताएंगे हमने क्यों छोड़ा है। ठीक, फिलहाल ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, सीक्वेंस ये नहीं है, सीक्वेंस क्या है हम बता देंगे आपको बिल्कुल, लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, आपको सबसे पहले पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक, सिंप्लीफिकेशन, और यही हमारा बेसिक है बच्चों। सबसे पहले हम आपका बेसिक क्लियर कराएंगे, और एक तरह से ध्यान रखिए जो ये क्लास होगी ना, एक तरह से बच्चा ये क्रैश कोर्स होगा। क्या होगा, क्रैश कोर्स, ठीक, क्रैश कोर्स मतलब क्या कि कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा, और सिर्फ ये नाम मात्र का क्रैश कोर्स है, लेकिन आप ये सोचिए कि क्रैश कोर्स नहीं रह जाएगा, जब आप पढ़ोगे आपको भी मजा आएगा, विश्वास दिला रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डाल दीजिएगा, बाकी आपको रिस्पॉन्स उसका मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, ठीक, सिंप्लीफिकेशन। थोड़ी बहुत चीज़ें आज हम आपको बता देते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें क्या बता दें आप लोगों को, देखिए देखो बच्चों, एक जो टीचर होता है ये सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, ठीक, कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है। जैसा कि आपने पढ़ा है बचपन में कि सबसे पहले हमें टेबल सिखाई जाती थी, स्क्वायर सिखाए जाते थे, बच्चों बिल्कुल वैसे ही है। देखो ट्रिक कोई भगवान नहीं बनाते, ट्रिक आप और हम बनाते हैं। कैसे, जैसे 5 लाइन का क्वेश्चन, अब हमने क्या किया कि हमारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है ऐसे, तो हमने और आपने क्या किया कि ऊपर की एक लाइन लिख दी, एक लाइन बीच की, एक लाइन लास्ट वाली, बस ट्रिक हो गई। यही ट्रिक होता है, आपकी सोच पर बस निर्भर है, आप जितना अच्छा सोचोगे उतनी अच्छी ट्रिक है, ये ध्यान रखें।
सबसे पहले आपका एक काम है, क्या करना है आपको? सबसे पहले बच्चों आपको 2 to 20 टेबल लगे हुए, ठीक, स्पेशली 17 और 19 बहुत दिक्कत करता है, 17 और 19, टू के स्क्वायर से 20 तक स्क्वायर तो करने ही हैं, और 2 के क्यूब से लेकर 20 के क्यूब, बच्चा ये क्यूब्स यानी घन जिनको बोलते हैं क्यूब्स, ठीक, टेबल मतलब क्या, वही नंबर बार बार जोड़ते जाते हैं, स्क्वायर मतलब क्या, दो संख्याओं सेम नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक, और क्यूब मतलब क्या, सेम नंबर का आपस में दो बार और वो मल्टीप्लाई यानी गुणा, यहां पर एक बार गुणा, यहां पर दो बार गुणा, ठीक। अच्छा बच्चा फिर क्या करना है, फिर इतनी चीजें, क्योंकि आगे की ट्रिक तो आप इसी से सीख पाओगे भाई, ट्रिक भी बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें बेसिक, तो बेसिक तो यही है, ठीक है, तो आगे की ट्रिक्स आप इस पे ही सीख पाओगे। दूसरी बात, ठीक, अच्छा दूसरी बात ये मत सोचना कि सर आधा लिखते हैं आधा नहीं लिख रहे हैं, जैसे ट्रिक्स में अभी हमने के नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा मैसेज करते करते आदत बन गई है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत एक हम भी बीच में गायब कर देते हैं, बस क्या होना चाहिए, भावनाएं समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है, चलो। अच्छा ये हो गया, दूसरी बात ये कि एक छोटी सी चीज और, छोटी सी चीज ये कि बच्चा स्क्वायर ऑफ 2 और स्क्वायर ऑफ 3, जैसे आपको पता है कि 4 और 9 होता, हमारे हिसाब से 4 और 9 नहीं, 2 का स्क्वायर 0 4 और 3 का स्क्वायर 0 9, सिंगल डिजिट ना ही कभी हमें बोलनी है और ना ही कभी हमें लिखनी है, तो ये ध्यान रखना, डबल डिजिट में ही हमें 2 का स्क्वायर 0 4 और 3 का 0 9, क्यों? अच्छा थोड़ा सा ध्यान करो, जब आप बैंक जाते हो तो कॉलम भरते हो डेट वाला, कैसे भरते हो, जैसे 1 तारीख 5 तारीख लिखने, क्या लिखोगे 0 5, हाँ 7वां महीना क्या लिखोगे 0 7, क्यों, ठीक, इसका भी राज है, आगे सब बताएंगे, बस आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करेंगे और सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज आपको जैसे इंट्रोडक्शन मिला है, ठीक, कल से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपको एक एक चीज, सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में पता चलेगा और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी, शायद ही शायद मतलब जिससे आपको बहुत मदद मिले आगे बढ़ने में, बहुत अच्छा लगेगा, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी सहयोग करेंगे, और जैसा जैसा हम आपको मार्गदर्शन आपका करते जाएंगे आप वैसे पढ़ते जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा कर ले जाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर ले जाएं, जिससे एक बार में ही RRB का एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, और कल से अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर आगे आपको पूरा शेड्यूल भी बता देंगे कि क्या क्या किस चैप्टर के बाद क्या हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।